रोली प्रियंका रेडी मेरा हर जन्मदिन तहलका जन्मदिन होता है। मैं हल्के काम नहीं करता, मेरे सारे काम तहलका वाले होते हैं और बढ़िया लेवल के होते हैं जो हमेशा याद रहे। आपने देखा होगा मैंने 100 लोगों की सेवा शुरू करी है। बिग बॉस से निकलते ही डेली 100 लोगों का खाना फ्री, 2 महीने बाद 1000 लोगों का खाना फ्री करने वाला हूँ मैं। और सेवा कर रहा हूँ पिछले 5 साल से, हेल्पिंग वीडियोस कर रहा हूँ पिछले 5 साल से, और 2 महीने बाद डेली 1000 लोगों का खाना तहलका भाई की तरफ दिल्ली में। यहाँ देखिए प्रियंका मोबाइल नीचे। जैसे कि हमने बिग बॉस में भी रिसेंटली देखा है अभिषेक के साथ जो हुआ है, समर्थ के साथ जो हुआ है, उसपे आपका क्या कहना है? मैंने बताया था अभी, जो भी हुआ सही हुआ समर्थ के साथ। अगर मैं होता, मेरे सामने कोई बंदा ऐसे प्रवोक कर रहा होता तो 10 सेकंड में 10 रैप्टे मारता मैं बढ़िया वाले। सलमान सर ने भी इस पे एक्शन लिया है, जैसे उन्होंने कहा है अभिषेक भले ही गलत है लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक्सट्रीम लेवल पे जाके उनको प्रवोक किया, जिस तरीके से मेंटल हेल्थ का इशू निकला, क्या कहना चाहते? जो शब्द था उसके अंदर वो भारी वाला शब्द था, वो था मेंटल। किसी को इतना तगड़ा हरास करना, किसी को परेशान करना, उसकी हेल्थ को लेकर बोलना मेरे हिसाब से सही नहीं था, बहुत गलत था। और तहलका भाई होता तो आपको पता है क्या होता, तगड़ा तहलका मस्ता, तगड़ा तहलका। और इसमें एक चीज ये है कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड भी है जो उनको गलत तरीके से प्रोवोक कर रही है, जबकि उनको पता है उनकी कमजोरी क्या है, एक लिमिट तक सही है, तो उस पे आपका क्या? ईशा ने अपनी, मैं एक ही बात बोलूंगा, जो एक अच्छा नाम चल रहा था अंदर, शो में अच्छा खेल रही थी, अच्छे तरीके से गेम में आगे बढ़ रही थी, ये सब करके मैंने कमेंट बढ़े, बहुत भारी भरकम कमेंट आ रखे हैं, जो उसकी एक ये लगा लो यहाँ पे उसका मैटर चल रहा था ना, तो यहाँ पर आ गया वो भारत देश के अंदर। क्योंकि बिग बॉस के अंदर आपको शब्दों को संभाल के बोलना पड़ता है, भारत का नंबर 1 शो है, उसमें अगर शब्दों को आप उछाल के मार दोगे और सोचोगे नहीं तुम क्या बोल रहे हो तो सीधा यहाँ से यहाँ पर आ जाओगे। 100 बात की एक बात, समर्थ का लेवल चल रहा था, एक बंदा मजाक कर रहा है, सबको हंसा रहा है भारत के अंदर, लेकिन अचानक से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पर आ गया। समर्थ छोटा भाई है लेकिन वो समझ नहीं पाया कि चीज़ों को कैसे यूज़ करना है, कौन सा वर्ड कहाँ बोलना है, किसी की हेल्थ को लेके इतना तगड़ा बोलना, इतना गंदा बोलना, वो भारी पड़ गया समर्थ को। जैसे हम देखते हैं अंकिता जी काफी गलत सही को लोगों की सपोर्ट करती है, बट उनसे उनको जब अथॉरिटी दिया गया तो उन्होंने अभिषेक को बाहर किया, तो इसमें क्या? ये तो सिंपल सी बात है मैडम, ये गेम है। अंकिता को पता था भाई ये तगड़ा कॉम्पिटिटर है मेरा, ये अंकिता उसको निकालती, उसको निकालना बनता भी था। 100 बात की एक बात, अंकिता दिमाग से खेल रही थी कि भाई मेरे को टक्कर दे सकता है अभिषेक का, सबको पता ही है तगड़ा खिलाड़ी है भाई, टक्कर देगा अंकिता को, अंकिता घबरा गई और ये वाला मैटर कर दिया अंकिता ने। तो आपको क्या लगता है बिग बॉस अभी मतलब किसे सपोर्ट कर रहे हैं, कौन टॉप 2 में टॉप 3 में? देखो ये मैटर नहीं है जो दुनिया बोल रही है, इसको ये सपोर्ट कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, सारे तगड़ा खेल रहे हैं। 28 तारीख को फिनाले है, एक तगड़ा नाम सामने आने वाला है, और जरूरी नहीं मैडम, देखो अभिषेक और अंकिता में से और मनोहर भाई में से कोई एक हो सकता है। 100 बात की एक बात, और रही बात अभी अरुण भाई की, थोड़ा इमोशनल चल रहे हैं मेरे को लेकर, वो बहुत बार रोए भी हैं अरुण भाई, और ये तो एक जाहिर सी बात है मैडम, मेरे से बहुत प्यार करता है, मेरे को लेके बहुत इमोशनल भी हुआ है, मेरे को लग भी रहा था कि मेरे जाने के बाद बहुत वो डाउन पड़ जाएगा, और वही हुआ कि मेरे को देखकर बहुत इमोशनल हो चुका है वो। अभी 4 दिन पहले भी बहुत ज़्यादा फील ले रहा था मेरे को लेकर तहलका भाई, इसको याद आ रही थी मेरी, 10 दिन पहले भी रो पड़ा वो मेरे को लेकर। तो एक ही बात बोलूँगा, अरुण भाई आई लव यू सो मच, मेरा भाई तहलका भाई। पूछना चाहूंगी जैसे अभी बिग बॉस में जब हम जाते हैं ऑडियंस के वोट के हिसाब से लोग अपना जो भी है गेम खेलते हैं, लेकिन बिग बॉस में जिस तरीके से इविक्शन हो रहा है और मतलब जैसे घर वाले निकाल रहे हैं, जैसे अभी राइडर ने जिन्होंने कहा है कि ये प्री प्लान्ड है, तो इस पे क्या कहना है कि ये प्लानिंग से निकाल रहे हैं या वोटिंग के बेस पे निकाल, ऐसा क्यों नहीं? मैडम मैं नहीं बोलूंगा कि ये कोई प्लानिंग है, ये गेम है, फिनाले नजदीक है, घर के अंदर आप समझते हो बहुत बंदे बैठे हैं अंदर अभी, ये तो है नहीं फिनाले में 12 के 12 बंदे चले जाएंगे, जाने आखिरी में पता है 5 ही है। जो भी चल रहा है गेम के हिसाब से चल रहा है, तगड़ी गेम चल रही है, और आपको पता है बिग बॉस भारत का नंबर 1 शो है और तगड़ा तहलका मचा हुआ है। 100 बात की एक बात, UK07 के साथ जो भी कुछ हुआ वो अपनी बातें रख रहा है, और मैंने तो उसको कई बार समझाया बिग बॉस के अंदर कि भाई तेरे को उठाया जा रहा है और तू चीज को नेगेटिव मत ले, उसको जो बातें फील हो रही हैं वो अपनी बातों को आगे रख रहा है। और रही बात एक्सपोज की, एक्सपोज वाली मैंने वीडियो देखी नहीं UK07 की, जो उसको फील हो रहा है अपनी बातें आगे रख रहा है, लेकिन मैंने और घर के सदस्यों सबने उसको समझाया था कि भाई तेरे को सलमान सर कुछ भी करवाते हैं, डांस करवाते हैं, वो तेरे उठाने के लिए, बिग बॉस तेरे को जज बना रहे हैं उठाने के लिए, तो वो बात अलग है कि उसको कुछ बातें फील हुई कि भाई ऐसा क्यों हो गया वैसा क्यों होगा, तो मेरी दिल की बात रख रहा है वो।
थैंक यू कालका भाई, तहलका बताते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। अरुण भाई आई लव यू सो मच। भाई से साथ में खड़े होना, साथ में मोबाइल नंबर कहाँ देना। अरे पीछा भाई, किसी को 12 करोड़ की शर्ट चाहिए हो, 15 लाख के कपड़े चाहिए हो, 5 करोड़ के कपड़े चाहिए हो, पिनाकल दिल्ली एक नंबर तहलका, सारे कपड़े बिग बॉस से मेरे यहाँ से आते थे। मेरा कजन भाई तगड़ा तहलका भाई, यहाँ पे देख के बोलिए। अरे रुक जाओ।